हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ सुपर अमेजिंग ट्रिक्स। और इन ट्रिक्स के जरिए हम पूरे चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को आराम से कवर कर लेंगे। तो आपके लिए लेकर के आया हूं 18 ट्रिक्स, जिससे ये पूरा चैप्टर आपको लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सारी ट्रिक्स को। सो ऑन नंबर वन वी हैव मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके लिए ट्रिक है, चुपके से निकाल मेरी कार। तो जैसे किसी ड्राइवर को हम कह देते हैं कि आराम से मेरी कार को निकाल दे, तो चुपके से निकाल मेरी कार, ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक। और माइक्रो के लिए ट्रिक है, फेकू मामू जाबे निकल। तो फेकू मामू जाबे निकल, तो आपके पास आ गया आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, निकल, क्लोरीन। तो उसके लिए ट्रिक क्या आ गई, फेकू मामू जाबे निकल। तो है ना अमेजिंग ट्रिक। अब नंबर थर्ड पे हमारे पास ट्रिक आ रही है फॉर द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एलिमेंट। इन एलिमेंट को आप स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है चोन, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो असेंशियल एलिमेंट है एज कॉम्पोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल या स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो उसके लिए ट्रिक आ गई चोन। और नंबर फोर वी हैव असेंशियल एलिमेंट एज कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल। तो इसके अंदर मैग्नीशियम आता है क्लोरोफिल में, तो इसको कैसे याद करेंगे, मैगी कल। तो मैगी फॉर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के लिए कल। तो मैगी कल खानी है, तो मैगी कल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट से भी। और फॉस्फोरस हमें एटीपी में मिलता है, तो एटीपी में पी आता है, तो ये तो सबको याद ही रहता है। तो ये कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल में एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। तो ट्रिक क्या हो गई, मैगी कल। और ये जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी कैटेगरीज आपको जल्दी से किसी भी और वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो नेक्स्ट इज बेनिफिशियल एलिमेंट। तो जो बेनिफिशियल एलिमेंट है उसके लिए ट्रिक है से ना से सीखो। तो SENASICO, तो सेना से सीखो बेनिफिशियल एलिमेंट। अब चलते हैं ट्रिक नंबर सिक्स पे, दैट इज फॉर असेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम। तो एंजाइम को एक्टिवेट या इनिबिट, यानी कि उससे काम करवाने या रोकने वाले जो एलिमेंट हैं, उसके लिए ट्रिक है मुझे मैगी। क्योंकि वहां पे वो आयन की तरह यूज होते हैं एलिमेंट, तो मैगी 2 मिनट्स में बनती है। तो लास्ट के 2 में 2 पॉजिटिव लगा देंगे तो ये और इजी हो जाएगा, और आप अपना आंसर नीट में बिल्कुल करेक्ट करके आ पाएंगे। तो असेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम के लिए ट्रिक आ गई मुझे मैगी। अब नेक्स्ट इज एलिमेंट दैट ऑल्टर पोटेंशियल डिफरेंस और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो जो एलिमेंट ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बदल देते हैं और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है, वो सिर्फ एक है, पोटेशियम। तो पॉप्स याद रखिए या पापा याद रखिए, तो घर के हालात कौन बदल सकता है, पापा। और घर का मेन गेट खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी किसकी, पापा की। तो पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज फॉर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ लीफ टिश्यू। तो उसके लिए याद रखेंगे काकू का मग। तो काकू का मग, ये ट्रिक याद रखेंगे फॉर नेक्रोसिस। नेक्स्ट फॉर क्लोरोसिस, मोनिका फिर से
मांगे मेरी जान। तो मोनिका फिर से मांगे मेरी जान, दिस इज फॉर क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस क्या होता है? येलोइंग ऑफ लीव्स। और नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ लीफ टिश्यू। तो ये याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 10 फॉर इनिबिशन ऑफ सेल डिविजन। तो इनिबिशन ऑफ सेल डिविजन, जो मॉन्क्स होते हैं वो जनरली कोई काम नहीं करते समाज के अंदर, वो सिर्फ सेवा करते हैं, तो उनका घर का कोई काम नहीं होता। तो इनिबिट का मतलब रोक देना। तो रोकने का काम कौन करता है? मॉलिबेडनम, नाइट्रोजन, देन पोटेशियम, देन सोडियम। तो MONKS मॉन्क्स, उसके बाद मॉन्क्स इनिबिशन ऑफ सेल डिविजन, देन डिलेड फ्लावरिंग, इसके लिए ट्रिक है मॉन्स MONS। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या मोशन, तो इसके लिए ट्रिक है मोशन। तो डिलेड फ्लावरिंग की ट्रिक आ गई मोशन MOSN, ऐसे याद करके जाएंगे। और एक्टिवली मोबिलाइज्ड, कि कौन से एलिमेंट बहुत तेजी से ओल्ड लीफ से मूव करके यंग लीफ में चले जाते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है सपना का। सपना का, और कैसे याद रखेंगे? जब सपना चौधरी का शो होता है तो बहुत तेजी से भागते हैं लोग देखने के लिए, तो सपना का है तो मोबिलाइज्ड। और जब कोई काम नहीं करना होता तो हम सुनते कहते रहते हैं, क्या कहा क्या कहा, तो इमोबाइल, नहीं चलना, तो ना चलने वाला कैल्शियम का। और का करेंगे तो इमोबाइल, चलना है तो सपना का। और टॉक्सिसिटी, तो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों भी रुक जाते हैं प्लांट में एंटर होना, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कैसे याद रखेंगे? मन फिर मांगे कल। तो मन फिर मांगे कल, दिस इज फॉर टॉक्सिसिटी। तो 14 ट्रिक्स ये रही, होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, 4 ट्रिक्स और हैं और फिर ये पूरे चैप्टर कंप्लीट। तो वो 4 ट्रिक कौन सी हैं उनको देखिएगा। तो अब हमारे पास जो ट्रिक्स बचती हैं, ऑन नंबर 15 वी हैव, तो 14 तक हमने यहां कर ली, 15 पे है वॉटर स्प्लिटिंग, कि अगर हमें वॉटर को स्प्लिट करना है तो हमारा मन नहीं कर रहा, तो मन कल करेगा वॉटर स्प्लिटिंग की ट्रिक, ये आ गई। इसके बाद क्रिटिकल एलिमेंट की ट्रिक देखिए क्या है। तो कौन से एलिमेंट बहुत क्रिटिकली चाहिए प्लांट को, तो क्रिटिकल समय में हम किसकी पूजा करते हैं? नारायण की। तो नारायण की पूजा, दिस इज फॉर क्रिटिकल एलिमेंट। देन वॉटर सिंथाइसिस, कि अगर वॉटर का प्रोडक्शन होना है तो कौन से एलिमेंट चाहिए, तो मैंगनीज और जिंक, तो इसको याद रखेंगे मंजन। तो वॉटर का सिंथाइसिस होता है मंजन की हेल्प से, क्रिटिकल एलिमेंट है नारायण की पूजा, और वॉटर स्प्लिटिंग में मन कल। और इसके बाद नंबर 18 पे जो है हम ले लेते हैं एनायन केटायन बैलेंस। तो एनायन केटायन बैलेंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है नकल करने की, तो नकल की जरूरत पड़ेगी। तो एनायन केटायन बैलेंस जब करने होते हैं तो
तो वो बच्चों से जल्दी नहीं होते, तो वो एक दूसरे की नकल करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा नकल। तो ये होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर की सारी ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी, और इन सभी ट्रिक्स से आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है।